बच्चा तो पानी पीता ही है, वो तो सर्वाइव ही उसी एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर कर रहा होता है जो प्रेजेंट होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। अगर वो नहीं पिएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। जिसे कहते हैं बच्चेदानी का मुंह खुलना या बर्थ कैनाल फॉर्म होना, वो नहीं खुल पा रहा होता, जिसे हम नॉन प्रोग्रेसिव लेबर में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल प्लेनेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी के एस वाई, और मेरे साथ डॉक्टर हिना यहां पर मौजूद हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और आज जो हम बात करेंगे, आज का पूरा प्रोग्राम हमारा बेस कर रहा है कि डिलीवरी में क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके हवाले से। आइए पहले डॉक्टर हिना से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर हिना, डिलीवरी की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? डिलीवरी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो सकता है, नॉन प्रोग्रेसिव लेबर हो सकता है, प्रॉपर तरीके से लेबर जो उसकी ड्यूरेशन होती है उसमें वो सही से कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आती और फिर उसको हमें ऑगमेंट करना पड़ता है या फिर इंड्यूस करना पड़ता है लेबर, जो कि हम कुछ मेडिसिंस हैं जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं वजाइनली, उससे भी कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट करवा सकते हैं। और कुछ ड्रिप्स ऐसी होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो ड्रिप्स में डाल के हम लगाते हैं, इंजेक्टेबल्स देते हैं, उससे भी कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो सकती हैं। तो इस तरह से करके एक सबसे द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज दिस। उसके बाद ये है कि कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं, उसके बाद जब बेबी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है, यानी कि प्रॉपरली जिसे कहते हैं बच्चेदानी का मुंह खुलना या बर्थ कैनाल फॉर्म होना, वो नहीं खुल पा रहा होता, जिसे हम नॉन प्रोग्रेसिव लेबर में ही ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उस कंडीशन में ये है कि फिर हमें वही पेशेंट को ट्रायल देना पड़ता है, अगर ट्रायल ऑफ लेबर देते हैं, अगर नहीं पेशेंट डिलीवर करती तो फिर इन द एंड हमें उसको सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करवाना पड़ता है। अच्छा, एक चीज़ जो हम सुनते हैं कि जी बच्चे ने पानी पी लिया, वो क्या होता है? पैदा होने से पहले बच्चा तो पानी पीता ही है, वो तो सर्वाइव ही उसी एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर कर रहा होता है जो प्रेजेंट होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। अगर वो नहीं पिएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, तो उससे कुछ नहीं होता, दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल कंडीशन। अच्छा, कहते हैं कि उसने बच्चे ने पानी पिया, इस वजह से जो है ना बच्चा बच नहीं सका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो हर बच्चा पीता है पानी, तो हर बच्चा पीता है। क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से ये बात इतनी कॉमन हुई भी है कि जी नहीं, पानी पीने से कुछ नहीं होता। बच्चे का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको हम मीकोनियम कहते हैं, वो पास हो जाते हैं थ्रू द एनल कनाल, बच्चे की जो एनस होता है उससे पास हो जाते हैं। वो फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन होती है जिससे हम बच्चे की जो दिल की धड़कने हैं वो कुछ कम हो रही होती हैं या इरेगुलर हो रही होती हैं, और तो उसकी वजह से वो पास हो जाता है, उसको मीकोनियम कहते हैं, जो ग्रीन या येलोइश ग्रीन कलर का होता है। अगर जब मेम्ब्रेन्स रप्चर होती हैं, अगर वो जो उसमें से फ्लूइड पास होता है अगर वो येलो या ग्रीनिश कलर का होता है, तो इसका मतलब ये है कि मीकोनियम पास हो गया है और बेबी फीटल डिस्ट्रेस है, और साथ में बेबी की दिल की धड़कनें भी कम हो रही होती हैं, इरेगुलर हार्ट बीट हो रही होती है। तो ये कंडीशन होती है फीटल डिस्ट्रेस की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा बचता नहीं है, बहुत आराम से बचा लिया जाता है ऐसे बच्चों को, या डिलीवर करवा के या सिजेरियन सेक्शन के थ्रू। अच्छा डॉक्टर, ना कैसे पता चलता है कि बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो अब कम हो रही है या डिस्टर्ब हुई हुई है, ऊपर नीचे हो रही है? जैसे बड़ों में हम ECG करके दिल की एक जो ECG दिल की पट्टी जिसे कहते हैं आम लैंग्वेज में, वो निकाल के देख लेते हैं, इसी तरह से CTG होता है। अच्छा। CTG जो होता है वो बच्चों के दिल की धड़कन की हम वो जो पट्टी है वो निकाल कर देख लेते हैं, और वो मॉनिटर पे आ जाते हैं हमारे पास बेबी का हार्ट बीट का पैटर्न, और उससे हम डिसाइड करते हैं कि फीटल डिस्ट्रेस में है या नहीं है। और इसके साथ मेम्ब्रेन्स रप्चर होती हैं, अगर उसमें मीकोनियम ग्रीन स्टेंड होता है या येलो स्टेंड होता है तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि मीकोनियम पास कर दिया है बेबी ने, और वो भी एक फीटल डिस्ट्रेस का एक वो होता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स फॉर द एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, जो लोग कहते हैं ना कि अचानक से डिसाइड कर लिया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन रीज़न है जिसकी वजह से सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है लास्ट मिनट पे इमरजेंसी में। अच्छा, एक कहते हैं कि जी ऑक्सीजन कम हो रही है, ऑक्सीजन कम हो रही है? ऑक्सीजन इसीलिए कम हो जाती है कि जब बेबी की दिल की धड़कनें कम होती हैं, यही फीटल डिस्ट्रेस का ही हिस्सा है, ये होता है कि बेबी की दिल की धड़कनें कम हो जाती हैं तो वो ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाते लंग्स तक और ब्रेन तक। जब ऑक्सीजन ब्रेन को प्रॉपर नहीं मिलती तो ब्रेन डैमेज
होने का ख़तरा होता है, जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी इस तरह से सीपी बेबी से सेरिब्रल पैल्जी है या इस तरह के कुछ और कंडीशंस होती हैं जो लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से, हाइपोक्सिया जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से हो जाती हैं। तो यही रीज़न होता है, इसी से बचाने के लिए इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। अच्छा, सही। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी औजार इस्तेमाल किए थे, तो औजार का इस्तेमाल होगी? औजार इस्तेमाल ये करते हैं, फॉर्सेप्स डिलीवरी होती है हमारे पास, फॉर्सेप्स होते हैं जो कि स्पेशली बच्चों को पैदा कराने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, फॉर्सेप्स लगा के डिलीवर कराते हैं। ये वही ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या फिर इस तरह की बेबी का हेड स्टक हो जाता है, वो डिलीवर नहीं कर रहा होता, प्रोग्रेस नहीं कर रहा होता, कॉन्ट्रैक्शंस कम हो जाती हैं, तो औजार लगा के बेबी को डिलीवर कराने की पहली कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास वैक्यूम पम्प होता है, वो हम बेबी के हेड के ऊपर सेट, क्योंकि हेड आ रहा होता है नज़र हमें, तो उसके ऊपर सेट करके वैक्यूम क्रिएट करते हैं और फिर सक्शन मशीन से उसको सक आउट करते हैं और इस तरह से डिलीवर कराते हैं। अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं, फॉर्सेप्स डिलीवरी एज वेल एज द वैक्यूम डिलीवरी, तो फिर हम एज अ लास्ट रिजॉर्ट हम सिजेरियन सेक्शन करके डिलीवर कराते हैं बेबी को। अच्छा, अब आखिरी सवाल है कि ये फंदा लग कैसे जाता है बच्चे की, क्या इंटेस्टाइन उसके गले में फंसती है क्या? नहीं, इंटेस्टाइन कैसे फंसेगी, इंटेस्टाइन तो पेट के अंदर होती है। बेबी जो होता है प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड होता है थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो एक कॉर्ड होती है, ट्विस्टेड सी कॉर्ड होती है, जो कि कनेक्ट करती है फीटस को, मतलब बेबी को और प्लेसेंटा को, माँ को। हाँ, जो प्लेसेंटा होता है वो जो चैनल होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुँच रहे होते हैं बेबी तक, तो उसको कनेक्ट करती है। तो वो जो कॉर्ड होती है वो कभी कभार उसका वो अराउंड द नेक आ जाती है, मतलब कि एक दफ़ा या दो दफ़ा इस तरह से आ जाती है। तो अगर बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो पहले उसका हेड आता है, अगर नेक होती है तो हम पहले फील कर लेते हैं हाथ लगा के, अगर वो कॉर्ड अराउंड द नेक होती है तो हम उस कॉर्ड के बीच में अपनी फिंगर्स डाल के उसका वो जो भी फंदा लगना या जो भी उसको वो स्ट्रैंगुलेट होने से बचाते हैं, तो वो ताकि उसको स्ट्रैंगुलेशन नहीं हो, और जैसी थोड़ी सी नेक बाहर आती है तो हम हटा देते हैं उसी वक्त। अच्छा। उसको हम डिले नहीं करते, तो इस तरह से वो उससे सेव किया जा सकता है बेबी को। अच्छा, जो बच्चे डिलीवर होते हैं हम देखते हैं कि जॉन्डिस भी उनको हो जाता है, तो ये क्या हर बच्चे को जॉन्डिस होता है? डिलीवरी के फौरन बाद नहीं होता, दूसरे तीसरे दिन डेवलप होता है जॉन्डिस, विच इज़ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, और हर बच्चे को होता है। अच्छा। उसको थोड़ा सा हम फोटोथेरेपी यानी कि सनलाइट में रखते हैं तो वो सही हो जाता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, दो से तीन दिन में रिजॉल्व हो जाता है। कुछ बच्चों में डीप जॉन्डिस हो जाता है तो उसके फिर हम बायलियोरिबिन के मतलब लिवर के टेस्ट करवा के देखते हैं, लेफ्टिस करवा के देखते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिरेंज होती हैं वैल्यूज़ तो फिर हम उसको रेफ़र करते हैं पीडियाट्रिक, जो भी पीडियाट्रिशियन होता है वो फर्दर फिर वो टेक ओवर करता है और वो बच्चे का इलाज करता है। हो सकता है उसमें कोई और ऐसी बीमारी हो या किसी और रीज़न की वजह से उसकी लेवल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेज हों तो फिर उसको हमें दिखाना पड़ता है बच्चों को, वरना नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो खुद ही रिजॉल्व हो जाता है और सेल्फ लिमिटिंग होता है। अच्छा, नर्सरी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, हर बच्चे को नर्सरी में लेके जाते हैं? नहीं, हर बच्चे को ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली जो बच्चे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की वजह से जो डिलीवरीज होती हैं या हाई रिस्क डिलीवरीज होती हैं या सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर होते हैं, स्पेशली जो फीटल डिस्ट्रेस की वजह से सिजेरियन सेक्शन होते हैं या फॉर्सेप्स डिलीवरी या औजार की डिलीवरी की वजह से होते हैं, उनको नर्सरी में रखने की ज़रूरत पड़ती है, उनको मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ पेशेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऐसी कंडीशंस होती हैं उनकी, जो उनको इनक्यूबेटर्स में या नर्सरी में रखना ज़रूरी हो जाता है। हर बच्चे को रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज या कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज के थ्रू पैदा होते हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, सही। डॉक्टर हिना, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँचाई, और यहाँ पर हमारा वीलॉग भी एंड हो रहा है। तो शिकफा यासमीन यानी कि एस वाई और डॉक्टर हिना को दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए वीलॉग के साथ। दाफ़ है।